नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया है। आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे हम क्या कर रहे हैं। बिहार यात्रा पर निकले जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन्हें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण छोड़ना होगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को फिर से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर उस याचिका को गुरुवार को सुनवाई के योग्य नहीं माना, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो प्राथमिक जांच को रद्द करने का अनुरोध किया है। जमुई जिले के एक साधारण परिवार से आने वाली अनुष्का प्रियदर्शिनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जेईई परीक्षा में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इसी सप्ताह घोषित परीक्षा परिणाम में अनुष्का प्रियदर्शिनी को कुल 800 अंकों में से 765 अंक मिले हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस दौरे को फिलहाल स्थगित कर दिया है। stuff.co.nz की खबर के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट के स्पोक्स पर्सन ने इस खबर की पुष्टि की है। अभी तक इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि के मौके पर बिहार में एक दिन के महाअभियान चला करके 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर टीका महाअभियान चलाने का ऐलान खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार की मुलाकात के बाद से यह कयास लग रहे थे कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच गुजरात के विधायक और युवा दलित नेता के भी कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। जानकारों की माने तो पार्टी कन्हैया, जुग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का आउटसोर्स करके युवाओं की पार्टी न रहने का थप्पा हटाना चाहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो वो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत मत है, एनडीए या जदयू का नहीं। इससे पहले भाजपा की तरफ से भी कहा गया था कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है। गुजरात में 27 विधायक अब नए मंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है, जिसके पहले विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि काफी सियासी उठापटक के बीच आज 24 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। प्रदेश में सीएम बदलने के साथ ही लगभग पूरी कैबिनेट का कायाकल्प किया गया है। त्योहारी सीजन में चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत प्रदान की गई है। अदालत ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक को शर्तों के साथ हटाने का आदेश जारी किया है। इसमें श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर और एथलीट मनोज पाटिल ने कथित तौर पर ओशीवारा स्थित अपने आवास पर नींदी की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। कथित घटना पाटिल के सैलाली भवन स्थित घर पर दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुई, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें कूपर अस्पताल पहुंचाया। केंद्र सरकार ने देश में विभिन्न सेक्टरों में समाज सेवा के नाम पर फंड उपलब्ध करा रहे 9 विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर रोक लगा दी है। अब ये एनजीओ बिना उचित अनुमति के देश में फंड स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 9 एनजीओ को प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में शामिल कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 सितंबर तक बारिश का सिलसिला कई राज्यों में यूं ही चलता रहेगा। इस दौरान कई राज्यों के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मॉनसून की विदाई की तारीख 20 सितंबर तक बताई जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर हम देखें तो उसके हिसाब से मॉनसून की विदाई के साथ ही गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमित होने पर सेप्सिस का खतरा बढ़ गया है। सेप्सिस कैंसर और हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। इसको लेकर WHO ने भी आगाह किया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक 2050 तक कैंसर और दिल के दौरे में भी ज्यादा सेप्सिस से लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दुर्गा लक्ष्मी वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ केस दर्ज कराने जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू देवियों पर बयान देकर राहुल ने आस्था पर चोट पहुंचाई है, हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने कहा कि देश रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर चाहे वो प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या फिर तकनीक के जरिए अंजाम दी जा रही हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला उन कुछ भारतीयों में शामिल है जिन्हें टाइम पत्रिका की 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम ने बुधवार को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की लगभग 260 प्राइवेट दुकानें अगले महीने बंद हो जाएंगी और केवल सरकारी सेक्टर ही खोले जाएंगे। इसके साथ और केवल सरकारी स्टोर ही खोले जाएंगे। दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत नई दुकानें खोली जाएंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। दिल्ली से मुंबई के बीच देश का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ आम वाहनों के आने जाने के लिए दो दो लेन होगी बल्कि पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी चार लेन होगी। करीब 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बन जाने से दिल्ली मुंबई की सड़क मार्ग से दूरी मात्र 13 घंटे की होगी। ट्रेनों की लेट लतीफी दूर करने के लिए रेलवे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लिंक एक्सप्रेस और स्लीप कोच के संचालन की संख्या सीमित की जाएगी। इससे किसी ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने या फिर कोच को कम करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे समय की बचत होगी और ट्रेन को समय पर चलाने में मदद मिलेगी। असम सरकार ने रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ ही सातवें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन की रकम मिलने लगेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने इस संबंध में खुद घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। ताजा खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि यदि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के भीतर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 टीके की 76.1 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा 1.65 करोड़ से अधिक खुराक दी जानी है। उसने बताया कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी टीके की 5.33 करोड़ से अधिक खुराकें बची हुई हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के 3 ठिकानों पर इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि छापेमारी उनके एनजीओ के दफ्तर सहित अलग अलग लोकेशन पर चल रही है। उधर सूत्रों का कहना है कि आज ही हर्ष मंदर और उनकी पत्नी विदेश के लिए रवाना हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 30,570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 38,303 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 431 लोगों की जान भी गई है। जिसके बाद कुल मामले 3,33,47,325 पर पहुंच गए हैं। वहीं कुल सक्रिय मामले 3,42,923 पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कुल डिस्चार्ज 3,25,60,474 हुए हैं और जान गंवाने वालों की संख्या 4,43,928 पर पहुंच गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कहा गया है क्योंकि विधायकों ने एक बार फिर आवाज उठानी शुरू कर दी है। वो विधायक दल की बैठक की मांग कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कामाख्या मंदिर के आसपास के इलाके डेवलप किए हैं जिससे मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब पार्किंग समेत कई अन्य सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में 24 सितंबर को क्वाड समूह देश के नेताओं की पहली व्यक्तिगत मुलाकात होने वाली है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के योशीहिदे सुगा की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समिट में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी नए चैनल संसद टीवी पर चैट शो को होस्ट करेंगी जहां थरूर को प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ इंटरव्यू की एक श्रृंखला टू द पॉइंट की मेजबानी करते देखा जाएगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी शो मेरी कहानी में महिला सांसदों का इंटरव्यू करेंगी। हालांकि दोनों शो राजनीति से दूर रहेंगे। 9 जुलाई को नेपाल और भारत के बीच रेल सेवा समझौते में संशोधन के बाद 17 साल के अंतराल के बाद भारतीय कंटेनरों का एक अधिकार छूट गया है। नेपाल इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के अनुसार हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की एक रैक कार्गो ट्रेन 10 बजे वीरगंज स्थित ड्राई पोर्ट पर पहुंची थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिनकर कुमार, राजेश सोंथियाल, नूरुद्दीन खान, दिनकर सिंह, नूनू कुमार, बिट्टू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अंजुम हसन, अनवर हुसैन, अभय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति
को देखते हुए क्या धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।